हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। टुडेज टॉपिक इंट्रोडक्शन, सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन। सबसे पहले तो क्या है फिजिकल एजुकेशन यानी पी आने पर ही आपको ऐसा लगता है कि पी यानी कि गार्डन में जाकर कोई गेम खेलो। लेकिन फिजिकल एजुकेशन का मतलब सिर्फ गार्डन में जाकर कोई गेम खेलना है नहीं, वो सब कुछ टॉपिक्स मिलाकर ई बना हुआ है, ई यानी फिजिकल एजुकेशन। तो आज हम टॉपिक इंट्रोडक्शन इसके बारे में हम देखेंगे। एक्सरसाइज, डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइज होती है, जैसी जैसी गेम होती है वैसे वैसे एक्सरसाइज करना पड़ता है। कुछ गेम खेलने के लिए हमें कुछ एक्सरसाइज के अंदर कंप्लीट होना पड़ता है, उसके बाद हम गेम में जा सकते हैं। तो एक्सरसाइज जो वॉक ऑफ एक्सरसाइज है, जो हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है। अब वार्म अप एक्सरसाइज है, जैसे कि हैंड रोटेशन, लेग रोटेशन, नी रोटेशन, शोल्डर रोटेशन एंड लेग रोटेशन, वेस्ट रोटेशन, फिर रनिंग, स्लो रनिंग, स्पीड रनिंग, रनिंग रिवर्स, रनिंग आउटसाइड, इनसाइड रनिंग, ये सारी चीजें जो है वो एक्सरसाइज है। तो डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइज से क्या हमें डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइज से हमें एडवांटेज मिलते हैं, जैसे कि हम अपनी बॉडी को मेंटेन कर सकते हैं और उसके अंदर हमें एडवांटेज ये है कि हम कुछ कोई भी वर्क करना हो तो उसके अंदर हमें फायदा पहुंचता है। और एक्सरसाइज अगर आपने फर्स्ट टाइम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि आप स्पीडली, आप फर्स्ट टाइम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट यहाँ तक करते हैं। जैसे जैसे आप अपनी एक्सरसाइज कंटिन्यू करते जाएंगे 1 मंथ 2 मंथ, वैसे वैसे आपको आपकी बॉडी में डिफरेंट टाइप के चेंजेस पता चलेंगे। अगर आप 1-2 दिन या 1 वीक तक एक्सरसाइज करने का कुछ चेंज मांगेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। सेकंड, इन योगासन, जैसे आप जानते हैं कि योगासन के बारे में हमने पहले भी बहुत सुना हुआ है और आप जानते हैं कि योग करने से हम मेंटली फिट रह सकते हैं। जैसे कि योग, कुछ तरह के योग है उसमें जो ज्यादा फेमस होगी जो अनुलोम विलोम, त्राटक, कपालभाति, उसके बाद आसन में उष्टासन है, चक्रासन है, वज्रासन है, सर्वांगासन है, ये सारे योग अलग अलग टाइप के हैं। उसमें जो योगासन में जो एडवांटेज है कि हम अपने माइंड को फिट रख सकते हैं और हमारी जो सोचने की जो ताकत है वो बढ़ती है, हम मेंटली प्रिपेयर रह सकते हैं। और अभी के जो हालात हम देख रहे हैं कोविड-19 जो काफी टाइम से चल रहा है, उसमें योगासन से काफी एडवांटेज है, जिसमें अनुलोम विलोम व्यायाम है, जिससे क्या होता है सांस, उसमें उसका एक पता है कि सांस लेना फिर छोड़ना, राइट एंड लेफ्ट, इस तरह से हम कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि आप एक साल अगर आपने योगासन नहीं किया है तो आप एक एक करके कर सकते हैं। अगर आपने एक साल कंटिन्यू योगासन शुरू किया तो आप थक सकते हैं, इसीलिए शुरुआत में अगर आप योगासन स्टार्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट टाइम आपको 1, 2 या 3 से ज्यादा योग करने नहीं है, आप उसके अंदर 5 मिनट 10 मिनट तक कर सकते हैं। जैसे जैसे आपको टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ, उसके बाद आपकी जो इम्यूनिटी पावर जो है वो बढ़ता जाएगा और वैसे वैसे आप कंटिन्यू योग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है स्पोर्ट्स एक्टिविटी, जो आपके लिए बहुत जरूरी है, जैसे कि क्रिकेट है, कबड्डी है, खो खो है, वॉलीबॉल है,
गैंग किस तरह की होती है कि जिसके अंदर इम्यूनिटी पावर होना बहुत जरूरी है। जैसे कि बास्केटबॉल की गेंद जो होती है वो 5+2+5 यानी 12-15 मिनट तक की गेंद होती है, लेकिन उसके अंदर इम्यूनिटी पावर ज़्यादा चाहिए जो बोलते हैं रोग प्रतिकारक शक्ति। और जैसे कि फुटबॉल की गेंद में, फुटबॉल की गेंद में कंटिन्यू जो प्लेयर होता है वो कंटिन्यू ग्राउंड के ऊपर उसको तेज भागना पड़ता है, उसके लिए हमें फिजिकल फिट रहना बहुत जरूरी है, वरना फुटबॉल और बास्केटबॉल जैसी गेम हम खेल नहीं खेल सकते। ये गेम में क्या होता है कि जैसे फुटबॉल और बास्केटबॉल क्रिकेट जैसी गेमों के लिए हमें खेलने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर या नेशनल लेवल के ऊपर भी जो प्लेयर होते हैं उनको फिटनेस देना पड़ता है, उसके बाद वो गेम के अंदर आ सकते हैं। तो ये गेम को हम खेलने से हमें हमारा फिटनेस अच्छा रहता है, मेंटली प्रिपेयर, जैसे कि ये योगासन है वो करने से हम मेंटली प्रिपेयर रह सकते हैं, और उसके ऊपर हम अपने मेंटली प्रिपेयर होने के बाद हम एजुकेशन के ऊपर हमें ज़्यादा एडवांटेज मिलता है। इसके बाद हेल्दी डाइट, ये सारी चीज़ें एक्सरसाइज योगासन स्पोर्ट्स एक्टिविटी ये सब कंप्लीट होने के बावजूद भी आपको अपनी खाने पीने की चीजों में बहुत ध्यान देना है। हेल्दी डाइट यानी हमें क्या करना है कि एक वीकली हम एक चार्ट बना सकते हैं जिसके अंदर जो फ्रूट हमें लेना है जिससे हमें एडवांटेज हो रहा है वो फ्रूट को हमें अपनी वीकली चार्ट में शामिल करना है, जिससे कि हम हेल्दी डाइट होने से हम अपनी बॉडी को जिस तरह से सेफ देना चाहते हैं वो मिल सकता है। यानी कि एक्सरसाइज योगासन स्पोर्ट्स एक्टिविटी एंड हेल्दी डाइट ये सारी चीजें मिलाकर फिजिकल एजुकेशन बनता है। नेक्स्ट आगे का जो वीडियो आएगा उसके बारे में हम गेम के बारे में और ग्राउंड में जैसे कि कबड्डी क्रिकेट फुटबॉल खो खो जैसी गेम के मेजरमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आप सब लोग फिजिकल एजुकेशन का जो मीनिंग था मैंने आपको शेयर किया। थैंक यू।